जो ये समाचारों विस्तार थी तो राज्य में कोरोना ना नवा 54 केस आज नोंधाया छे। अमदावाद शहर में सौथी वधु एक ज दिवस में 28 केस नोंधाया छे। सूरत में 7, वडोदरा में 7 नवा केस नोंधाया छे, तो राजकोट में 3 अने कच्छ में 2 नवा केस नोंधाया। दिवस दरमियान 16 दर्दी साजा थया छे। रसीना 4,25,721 डोज आज अपाया छे। अमदावाद में वधु बे विस्तार माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मुकाया छे। अमराईवाड़ी और नारणपुरा विस्तार में माइक्रो कंटेनमेंट में 2 फ्लेट मुकाया छे। अमदावाद शहर में कुल 4 विस्तार माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मुकाया। तो आसाराम आश्रम में गुम थे युवक मामले मोटा समाचार आ रहा है। गुम थे युवक के वीडियो बनाने पुलिस ने मोकलो है। वीडियो में एकांत में गयो हो उल्लेख करो है, पोते सलामत हो उल्लेख करो। बीजी तरफ पुलिस गुम थे युवक छेल्लू लोकेशन पठाणकोट मिली आयु। तो अमदावाद में आसाराम आश्रम में युवक गुम थवा मामले फरी एक बार विवाद में आयो है। त्यारे 1978 में अमदावाद डीसीपी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कृणाल दमन तक्षको का नामना पुस्तक में दुष्कर्मी आसाराम विषय चौंकावनारा खुलासा थया है। तेमणे पुस्तक में ते समय आसाराम की धाक केवी हती, केवी केवी गुनाहित प्रवृत्तिओ में तेनी संडोवणी छे तेवी अनेक बातों ने टाँकी हती। जो कि तेमणे न्यूज 18 गुजराती साथे वात करता आसाराम विषय खड़भड़ाट मचावे तेवा खुलासा कर्या हता। न्यूज 18 गुजराती साथ बात करता तेमणे कह्युं के आसाराम व्याभिचार अंगे फरियाद पत्र मने 1978 में मळ्यो हतो, पण मारे बिहार जवानुं थयुं ए माटे त्यांना पोलीस अधिकारीने फरियाद पत्र आपीने आव्यो हतो। तेमणे आसाराम विषे सौथी मोटो खुलासो करता कह्युं के आसाराम प्रवचन पहला व्याभिचार करी व्यासगादी पर बेसता अने प्रवचन बाद पण पहेलुं काम व्याभिचार करवानुं हतुं। ओ प्रसंग यह था कि जब 1978 ईस्वी में अहमदाबाद का डीसीपी था, डीसीपी ईस्ट डिवीजन था, तो मुझे जब बिहार में मेरा डिपुटेशन हो गया था तो मुझे एक पत्र मिला था। किसी पद ने पत्र भेजा था, लंबा पत्र था, इसका सारांश यह था कि साधु बहुत व्यभिचारी है, यह जब जाता है इसमें प्रवचन के लिए तो यही काम करके जाता है। तो पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कृणाले न्यूज 18 गुजराती साथे बात करता कहूं कि वर्षों पहला आसाराम खूब ख्याति धरावता हता। नागरिकों रिक्शा चालकों ने अमदावाद रेलवे स्टेशन पर आश्रम जवानु कहता तो रिक्शा चालकों लोगों ने साबरमती आश्रम नहीं पर आसाराम ने आश्रम पर मुकी जता हता। दादा सर हमारे सुपरविजन में था, पुलिस सुपरविजन में था। उस समय आसाराम बापू की इतनी प्रसिद्धि शर्त में थी, कोई स्टेशन से उतरता था तो बोलता था कि आश्रम जाना है तो महात्मा गांधी के आश्रम के बजाय वो लोग आसाराम बापू के आश्रम में ले जाते थे। तो दुष्कर्मी आसाराम आटला सुदेश नहोता अटक्या। तेणे देशना अलग अलग राज्यों में घणा मोटा प्रमाण में जमीन पचावी पाड़ी हती, जे अंगे बिहारना मुख्यमंत्री नीतीश कुमारे पण पटनामां आसाराम बापूए हड़प करेली जमीन अंगे पूर्व आईपीएस किशोर कृणाल साथे चर्चा करी हती। देश के बहुत सारे हिस्सों में बहुत बड़ी लैंडेड प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था, यह नहीं करना चाहिए था संत महात्मा को। ये तो नीतीश जी के साथ प्रसंग में कैसे जमीन छुड़ाने के सिलसिले में मैंने इस बात का उल्लेख किया है, लेकिन मेरी किताब में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, गुजरात के लिए भी बहुत हैं। तो किशोर कृणाल 2000 में सेवा निवृत्ति माटे गुजरात आया था, त्यारे तेमणे दुष्कर्मी आसाराम ना व्याभिचार अंगेनो फरियाद पत्र पाछो मेळवानो प्रयास कर्यो हतो, केम के तेमणे तेमना ज भावी पुस्तक में फरियाद पत्र ने टांकवानो विचार कर्यो हतो। 2000 ईस्वी में जब मैं गया था वहाँ पर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए, उस समय आसाराम बापू जी से कोई मेरा बैर नहीं था, बल्कि बहुत स्थानों पर उनका प्रवचन भी मैं सुनने गया था, लेकिन वो मुझे था कि यदि वो पत्र मिल जाता है तो भविष्य में कोई उन पर नहीं कोई और किताब लिखूंगा तो शायद उस पत्र का जिक्र करूँ। समाचारों चाइल्ड पोर्नोग्राफी विरुद्ध कड़क कार्यवाही ना सीबीआई 7 आरोपी की धरपकड़ करी है। तमाम आरोपी ने कोर्ट में रजू कराया है।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा की धरपकड़ कराई है। देश भर 77 स्थले दरोड़ा पाड़ी 23 केस नोंधाया है। तो जामनगर, भावनगर और जूनागढ़ में दरोड़ा पाड़वामां आव्या हता। रमन गौतम, सत्येन्द्र मित्तल, सुरेन्द्र नायक की धरपकड़ कराई है। पुरुषोत्तम झा, निशांत जैन की धरपकड़ कराई है। तो जितेन्द्र कुमार और टी मोहन कृष्णा की धरपकड़ कराई है। तो सूरत ना कामरेज ना खरसद गामे तड़ाव माथी त्रण मृतदेह मळी आव्या। एक महिला अने बे बाळकों ना मृतदेह मळी आवता खड़भड़ाट मची गयो छे। प्राथमिक अंदाज प्रमाणे मृतक माता एक पुत्री अने पुत्र होय शके छे। जो के मौत नुं कारण शुं छे, कई रीते डूबी गया तेने लईने तपास कराई रही छे। गुजरात एटीएस ने मळी छे वधु एक सफलता। वधु 24 किलो हेरोइन अने त्रण आरोपी पकड़ाया छे। द्वारकाना नावद्रा गामे थी वधु 24 किलो हेरोइन जप्त करायू छे। नावद्रा मां अनवर पटेलियाना घरमांथी मळ्यो छे आ जत्थो। जप्त करायेला हेरोइन नी कीमत 120 करोड़ छे। झिंझुरामां उतरेला जत्थामांथी अलग तारवी लेवायू हतुं। 24 किलो आरोपी मुख्तार हुसैने पूछपरछ दरमियान खुलासो कर्यो छे। अगाउ 12 किलो हेरोइन राजस्थान में सप्लाय थयानो खुलासो करायो छे। इकबाल भंगारियाए सप्लाय कर्युं हतुं। 12 किलो हेरोइन इकबाल भंगारियो मूळ जामनगरना जोड़ियानो छे। राजस्थानना कुख्यात भोला शूटर ने सप्लाय करतो हतो ते ड्रग्स। इकबाल फरी सप्लाय करे ते पहला ज सिंहोरथी तेनी धरपकड़ थई गई। भोला शूटरना सागरित अरविंद यादवनी पण धरपकड़ कराई छे। जोड़ियामांथी वोन्टेड आरोपी ईशा रावना पुत्र हुसैननी धरपकड़ कराई छे। झिंझुड़ा ड्रग्स केसमां अत्यार सुधीमां 11 आरोपी पकड़ाया छे अने हेरोइननो कुल जत्थो 144 किलो पर पहोंच्यो छे। हेरोइनना कुल जत्थानी किंमत 720 करोड़ थाय छे। फरी एक वक्त अमदावाद में वृद्ध की हत्या थी पुलिस सामे गंभीर सवाल उठाया। साबरमती विस्तार में 65 वर्षीय वृद्ध की गड़ू कापी हत्या कर देवाई। वृद्ध की सोना की चेन, मोबाइल और बाइक पर गुम होवाथी लूट ना इरादे हत्या थयानी आशंका छे। पुलिस ने मळेली फरियाद अनुसार मूळ त्रागढ़ खाते रहता देवेंद्र भाई रावत निवृत्त जीवन जीवता था। मंगलवार मोड़ी रात्र एक युवक फोन आता अचेर विस्तार में गया। बाद में फोन बंद आता पत्नी तपास करी तो जूना घर में लोई लुहाण हालत में लाश मिली आई। फोन करनार युवके बोनस आव्यु होवानी सोनानी चेन खरीदवानुं कहीने मृतकने बोलाव्या हता। तेवामां फोन करनार कोण हतो तेने लईने पण तपास शुरू कराई छे। आसपास पण बीजो कॉल आव्यो अने कोई छोकरो एमनी साथे वात करतो हतो कि मारे बोनसना पैसा मळ्या छे अने मारे मारी मम्मी माटे चेन खरीदवानी छे, तो तमे मारी साथे आवो। जेथी દેવેન્દ્રભાઈ પોતાના ઘરેથી પોતાનું મોટરસાયકલ લઈને નીકળેલા। ત્યારબાદ એ રાત એમનો 8 વાગ્યા આસપાસથી એમનું ફોન સ્વિચ ઓફ આવતો એમના પત્નીએ એમને જાણ કરી, જેથી એમને એમના સગા સંબંધીને બોલાવ્યા અને એમની તપાસ કરતા હતા। ત્યારબાદ દરમિયાનમાં એમનું આ જૂનું ઘર છે જે અચ્છે ઠાકોરવાસમાં આવેલું છે એ ઘરમાં તપાસ કરતા એમની ડેડ બોડી મળી આવેલ છે। तो 4 वर्ष थी पाकिस्तान ने जेल में सबरता 20 माछीमारों आखरे मुक्त थया छे। पाकिस्तान थी मुक्त थयेला माछीमारों ने वडोदरा खाते लवाया हता। वेरावळना समुद्र में कोई कारणोसर पाकिस्तान की दरियाई सीमा में पहुंची गयेला 20 माछीमारों ने पाकिस्तान सरकारे 4 वर्ष बाद जेल मुक्त कर्या। तेओने वाघा बॉर्डर थी कब्जो लई गोल्डन टेम्पल ट्रेन मार्फते वडोदरा लवाया हता। तमाम माछीमारों ने वेरावळ गुरुवार सुधी में मोकली आपवामां आवशे। भारत पहुंचता माछीमारों खुशी व्यक्त करी हती। કુલ 20 માછીમારોને છે એ પાકિસ્તાન ઓથોરિટી દ્વારા અમને છોડવામાં આવતા મત્સ્યોદ્યોગ ખાતા દ્વારા અધિકારીઓ દ્વારા છે અમને અમૃતસર ખાતેથી અહીંયા લાવવામાં આવેલા છે ગોલ્ડન ટેમ્પલ ટ્રેન મારફતે। ભારતના દરિયા વિસ્તારમાંથી જે માછીમારો જે ભારતની જે બોર્ડર ઓળંગીને પેલી બાજુ માછીમારી કરવા જતા હતા અને પાકિસ્તાને જેમની ધરપકડ કરેલી એવા 20 જેટલા માછીમારોને હાલ પાકિસ્તાનથી છોડવામાં આવ્યા છે અને આગળ જે પાકિસ્તાનમાંથી જે માછીમારો પકડાયા હતા તેમને અહીંયા આગળ છોડવામાં છે। હવે ગોલ્ડન ટેમ્પલ ટ્રેન દ્વારા એમને જે છે તે વડોદરા ખાતે લાવવા, વડોદરાથી જે છે તે વેળાવળ જે લોકોનું જે સ્થાનિક ઘર છે ત્યાં આગળ લઈ જવામાં આવશે। આપણે એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ક્યાં આગળ અને કેવી રીતે ગયા હતા આપણે। શું નામ છે ભાઈ તમારું? કિંમત અમે 4 સાલ ઇધર બસ ઇધર અમે કામ કરતા હતા, મોતી કામ કરતા હતા, એસી તરફ ગુજારા સલા રહ્યા હતા। નહીં નહીં ઇધર કોઈ મારપીટ નહીં હોય, સબકો બહુત ખુશ રખાય લોકોને। ફિર આને ટાઈમ પર લોકોને હમકો સબકો બોલ્ડર તરફ એસી તરફ ખુશી તરફ પોસાયા। ખાલી વીહને એમને વીહને છોડાવવાનું કંઈ નથી, પણ બધા માણસો અહીંયા આવવા જોઈએ ના 570
બિલકુલ એટલે પાકિસ્તાનની જેલની અંદર હજુ બીજા 570 કેદીઓ છે, હાલ 20 છોડવામાં આવ્યા છે. સાથે એમનું કેવું છે કે બીજા એમના જે 14 મિત્રો છે એ પણ હજુ થઈ છે, એમને પણ છોડવામાં, એટલે એમનું પણ એવું કેવું છે કે જે ઇન્ડિયાની અંદર જે પાકિસ્તાનના માછીમારો પકડા છે એમને જો વધુ છોડવામાં આવે તો જે પાકિસ્તાનની અંદર જે ઇન્ડિયાના માછીમારો છે તે લોકો વધુ છોડે. એટલે હાલ જે 20 લોકો આવ્યા છે તેમને હાલ અહીંયા રેલવે સ્ટેશન પર ઉતારવામાં, અહીંથી એમના જે પોતાના વતન લઈ જવામાં આવશે. અંકિત ગોંચીકર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા. ગાંધીનગરમાં કમલમ ખાતે ગુજરાત ભાજપની કારોબારી યોજાઈ, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ, રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ ભારતીબેન શિયાળ, સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર, સહપ્રભારી સુધીર ગુપ્તા સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. બેઠકમાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય કારોબારીમાં પસાર કરાયેલા ઠરાવોને અનુમોદન આપવામાં આવ્યું, તો કોરોનામાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની કામગીરીની પ્રશંસા કરાઈ. સાથે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી રણનીતિ ઘડવામાં આવી. મુખ્યમંત્રીએ પણ પોતાના સંબોધનમાં તૈયારીઓમાં લાગી જવા આહ્વાન કર્યું. તો ગુજરાત ભાજપની કારોબારીમાં સંવિધાન ગૌરવ યાત્રા યોજવાનું નક્કી કરાયું છે. 10 વર્ષ પહેલા બંધારણના 60 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંવિધાન ગૌરવ યાત્રા યોજી હતી, જેમાં બંધારણની રેપ્લિકાને પાલખીમાં મૂકીને યાત્રા યોજાઈ હતી. એવી જ રીતે ગુજરાત ભાજપે ફરી એક વખત યાત્રા યોજવાનું આયોજન કર્યું છે, જેની તારીખ ટૂંક સમયમાં જાહેર કરાશે. એમાં જે લોકોએ ફરી રસી લીધી નથી, જેમણે વેક્સિન લીધી નથી, તેમના ઘરે ઘરે જઈ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ તેમને રસી લેવા માટે સમજાવશે, કહેશે અને એમને મદદરૂપ થશે. જે પ્રશિક્ષણ વર્ગ જિલ્લા લેવલે થયા અને ખૂબ સફળતાપૂર્વક થયા, તે હવે મંડળ સ્તરે એટલે કે લગભગ તમામ વિધાનસભાઓ સહ આ પ્રકારના પ્રશિક્ષણ વર્ગ આગામી માસમાં યોજાશે. સંવિધાનનું બહુમાન કરવું એ તો આપણા સૌની ફરજ છે અને આ બાબતે ભારતીય જનતા પાર્ટી કટિબદ્ધ છે અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું યોગદાન આ બાબતે બિલકુલ ભૂલાય તેમ નથી. તો આગળ કરીશું સમાચારો પર નજર, તો પહેલા હાલ એક બ્રેક.